हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो मूव करते हैं वीडियो नंबर 96 में, जिसमें हमें एग्रीगेट डिमांड, वीडियो नंबर 94-5 में हमने कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस पे डिस्कशन किया था, कुछ मैथमेटिकल क्वेरीज पे डिस्कशन किया था, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी कुछ और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जितने लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का रिमाइंडर आपको मिल जाए। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमिक्स ऑन द मूव के नाम से, वहां पे भी अपनी क्वेरीज को लेट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस सी दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। Grew up on 7-2nd, moved up to 87. We ripped that city where we saw the smoke on 9-11. Just kids in second grade, or maybe third it was. But either way, that day we really saw what murder was. You ever heard of us? This city I was... ओके सो गाइस, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन बेसिकली हमारे सामने है क्या। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन। अब देखिए कंजप्शन फंक्शन हमको पता है कि ये बेसिकली क्या होता है, सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस बी इंटू वाई, ये वैल्यू दी हुई है कंजप्शन फंक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि डिराइव द सेविंग फंक्शन। पहला क्या है कि बेसिकली ये सेविंग फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। फिर है डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़ एंड व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। ये तीन क्वेश्चंस हैं। अगर पहली क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी इज इक्वल टू, ये सी बार होता है, यानी अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो मैं इसको बेसिकली सी बार कहूँगा प्लस इसकी वैल्यू बी कहूँगा और वाई, ये इस टाइप से ये सी फंक्शन होगा। लेकिन आपसे एस फंक्शन कह रहा है, तो अगर एस, देखिए यहाँ पे है क्या कि पहले पार्ट में अगर हम देखें तो यहां पे कंजप्शन कितना दिया है, 120 दिया है। ऑटोनॉमस कंजप्शन बेसिकली वो कंजप्शन होता है जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, यानी आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं पड़ रहा था और उस वक्त आप कंज्यूम कर रहे थे। इस वक्त इसका मतलब कि सेविंग क्या होगी, उस टाइम सेविंग आपकी पूरी पूरी निकल के आ जाएगी, निगेटिव सेविंग। सेविंग आपकी जो होगी वो बेसिकली निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव होने का मतलब ये क्या हो जाएगी, माइनस 120 हो जाएगी। तो अगर हम सेविंग फंक्शन की बात करें, यहां पर हम सेविंग फंक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी इंटू वाई। अब माइनस सी बार यानी निगेटिव सेविंग कितनी हो जाएगी, माइनस 120 प्लस वन माइनस बी। अब देखिए बी मतलब क्या होता है, एम पी सी होता है, और वन माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, एम पी एस, यानी बी की वैल्यू दी हुई है 0.40। एम पी सी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हर एक रुपए का 40 पैसा बेसिकली खर्च हो जाता है। तो 1 माइनस 0.40 इंटू वाई अगर कर देंगे तो इंटू वाई अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सिर्फ हमसे सेविंग फंक्शन पूछ रहा है पहले पार्ट में। तो माइनस 120 प्लस 0.60 इंटू वाई, ये हो गया बेसिकली आपका सेविंग फंक्शन। अब दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं, डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़। अब ये कह रहा है कि सेविंग कैलकुलेट करके बताइए जब इनकम आपकी कितनी है, 500 करोड़ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 120 प्लस 0.60। इनकम कितना दे रहा है, इनकम बेसिकली 500 दे रहा है, तो ये कितना निकल के आ गया, माइनस 120 प्लस 0.60 को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 180 निकल के आ जाएगी। यानी जब आपकी बेसिकली इनकम लेवल 500 करोड़ होगा तो उस 500 करोड़ की इनकम लेवल पे आप सेव कितना कर पाओगे, 180 CR, यानी 180 करोड़ कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं कि एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो। ये कह रहा है कि वो कौन सी इनकम होगी जब आपकी सेविंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी आपके पॉकेट में कितनी इनकम पड़ी हो कि आपकी जो सेविंग होती है वो जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी इनकम थी उस इनकम का पूरा पूरा हिस्सा अगर आप कंज्यूम कर ले रहे हो तो आपकी सेविंग जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, जीरो रुपया। यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपया आपकी इनकम थी और 100 रुपया एग्जैक्टली आपने कंज्यूम कर दिया। जब ये कर दिया तो आपके पास सेविंग क्या हो गई, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि वो कौन सी इनकम होगी जिसपे आपकी सेविंग बेसिकली जीरो हो जाए। तो यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू क्या था हमारा, यहां पे 120 प्लस 0.40 ये बेसिकली y था, ये बात कह रहा था ये है। तो अब ये देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, y में से इस y को माइनस कर दें
तो ये कितना हो जाएगा 120, तो यानी ये कितना निकल के आएगा 0.60 y इज इक्वल टू 120, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 0.60, यानी दो जीरो बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी ये 200, यानी 200 बेसिकली करोड़ अगर इनकम होगी तो ये वो इनकम होगी जहां पे आपकी जो सेविंग निकल के आएगी वो जीरो निकल के आ जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज गिवन टू बी 10,000 करोड़ इफ द इकोनॉमी सेव 20% ऑफ एडिशनल इनकम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये ऑटोनॉमस कंजप्शन की बेसिकली वैल्यू पूछ रहा है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम जो है वो 10,000 करोड़ दिया है और कह रहा है कि इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम। अब यहां पे देखिए क्या है कि बेसिकली इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम है, सेव है, यानी एमपीएस की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो 20% है। 20% का मतलब 20/100, इसका मतलब क्या हो गया 0.20, ये क्या निकल के आ गया आपका बेसिकली एमपीएस। अब ऑटोनॉमस अगर इस एमपीएस ये आ गया तो एमपीसी क्या होगा, एमपीसी इज इक्वल टू 1 - एमपीएस, यानी 1 - 0.20 इज इक्वल टू 0.80। अब अगर ऑटोनॉमस कंजप्शन की यहाँ पे बात की जाए तो वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस 0.80 इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली जो इनकम है वो आपकी कितनी दी हुई है, 10,000 करोड़ दी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको अगर लिख लेंगे 10,000 करोड़ इज इक्वल टू सी बार प्लस 0.80 इंटू 10,000, तो ये कितना निकल के आ गया, 10,000 इज इक्वल टू सी बार प्लस, अब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं कि 10,000 इंटू 0.80 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8,000 निकल के आ रही है ये, ठीक है। तो C बार क्या हो जाएगा, 10,000 - 8,000 इज इक्वल टू 2,000, तो 2,000 क्या हो गया, 2,000 बेसिकली आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन आ गया है। मैंने यहाँ पे Y को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बात कह रहा था कि द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल यानी वो पॉइंट जहाँ पे Y और C बेसिकली दोनों बराबर हो जाता है, यानी इनकम और कंजप्शन एग्जैक्टली बराबर हो जाए। और क्योंकि यहाँ पे आपसे सी बार पूछ रहा था और इनकम की वैल्यू आपको 10,000 पता थी, आपको एमपीसी निकाल लिया था आपने 0.80, तो इसकी मदद से आप इधर उधर साइड में करके सी बार की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो इस बेसिकली पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द सेविंग फंक्शन इज गिवन एज एस इज इक्वल टू -120 + 0.5 y, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग करस्पॉन्डिंग टू द इनकम लेवल ऑफ 0-100। ये देखिए कह रहा है कि सेविंग फंक्शन की एक फिगर आपके सामने दे रखी है जो कि -120 + 0.5 * y के बराबर इसका एक तरीके से वैल्यू दी हुई है। आपसे कह रहा है कि इस पे आप एक डायग्राम शो करके दिखाइए, सेविंग फंक्शन का डायग्राम, जब इनकम लेवल 0, 200, 400, 600 और 800 है। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट करें कि एट जीरो, तो जीरो पे क्या हो जाएगा, -120 + 0.5 * 0, पहली वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -120 निकल के आ जाएगी। एट 200 -120 + 0.5 * 200, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये बेसिकली हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि 0.5 * 200, ये 100 निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -120 + 100, ये कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एट 400 पे अगर हम बात करें तो -120 + 0.5 * 400, तो -120 + ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, तो ये कितना निकल के आएगा, ये बेसिकली निकल के आ जाएगा 80। अब फिर उसके बाद देखें कि एट 600, तो -120 + 0.5 * 600, तो -120 + 300, तो 180। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एट 800 पे क्या होगा, -120 + 0.5 * 800, तो ये हो जाएगा -120 + 400,
तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 280। अब देखिए ये सिंपल सी चीज़ थी, 0.5 तो जो है यहाँ पे MPS की वैल्यू है क्योंकि हम सेविंग की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव सेविंग है और ये ऐसे ऐसे इनकम चेंज होती जा रही है। अगर हम इसका ग्राफिकल डिस्कशन करेंगे तो कैसे करेंगे, हम ग्राफिकल डिस्कशन के केस में हम इनकम को इधर की तरफ प्लॉट कर लेंगे, सेविंग थोड़ा सा हमको इधर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये होगी सेविंग और ये हो जाएगी बेसिकली डिस सेविंग। अब देखिए यहाँ पे इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम जो थी वो कैसे चल रही है, ज़ीरो है, फिर 200 है, फिर 400 है, फिर 600 है और फिर 800 है, इस टाइप से हमारी इनकम है। डिस सेविंग यानी निगेटिव सेविंग क्या है, -120 है, फिर -20 है, फिर 80 है, उसके बाद 180 है, 20। अगर देखिए आप इन सबके बीच में तो 100 का गैप आ रहा है, यानी -120 से -20 की तरफ आएंगे तो 100 का गैप हो रहा है, फिर -20 से 80 की तरफ आएंगे तब भी 100 का हो रहा है, 80 से 180 100 और 180 से 280 का भी आपका 100 का गैप हो रहा है। तो अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो और लेट सपोज कि आप यहां पे -120 कर रहे हो और फिर यहां पे -20 हो जा रहा है और फिर यहां पे लेट सपोज कि 80 हो जा रहा है, फिर यहां पे 180 हो जा रहा है और यहां पे 280 हो जा रहा है। तो अगर हम -120 के बात करें तो -120 वो लेवल था जहां पे आपकी इनकम क्या थी, ज़ीरो थी। तो यहां पे ग्राफ बेसिकली आप यहीं से उठाओगे, उसके बाद -20 जब आया, बेसिकली -20 जब आपकी सेविंग आई तो ये वो पॉइंट था जब आपका इनकम क्या था, आपका इनकम 200 हो गया था, यानी समवेयर यहाँ पे बेसिकली ये फॉल कर रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, उसके बाद 80 वो पॉइंट हुआ जहाँ पे आपका ये ऐसे हो रहा है, उसके बाद 180 वो पॉइंट है जब आपकी इनकम 600 के अप्रॉक्स हो जा रही है और फाइनली ये 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 ऐसे हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली सेविंग लाइन या सेविंग फंक्शन को दिखाएगा। आप इसको मिला के भी शो कर सकते हो, उस फिगर को थोड़ा सा और चेंज कर लीजिएगा, लाइन को और चेंज कर लीजिएगा, तो वो और क्रिस्टल क्लियर निकल के आ जाएगी। तो ये तो था बेसिकली लास्ट एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एग्रीगेट डिमांड के बाद अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे भी कुछ डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाले चैप्टर्स में हमको करना है। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और बेल आइकन को भी दबा दिया करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ का रिमाइंडर मिलता रहे। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।